मोहन भागवत बोले हैं कि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं और उसके हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू हैं, मुसलमान के बिना हिंदुत्व अधूरा है। मुसलमान क्या सोचते हैं इसके बारे में जरा? जी, मुसलमान तो यही सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन की तैयारी है, वरना ये 5 साल से कभी न इस तरह की स्टेटमेंट आई है और न कभी इस पर काम किए। ये अभी मोदी जी भी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात किए हैं सरदारों के लेके, वो भी सिर्फ तैयारी है। अभी बोरा मुसलमान के ई में गए थे, वहाँ भी यही चीज़ है, सिर्फ इलेक्शन की तैयारी है, बाकी और कुछ नहीं। न कोई पार्टी से हूँ और न किसी से हूँ, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। और मोहन भागवत जी जो बोले बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका जो खेल है वो हम लोगों को दो भाग में बांटना चाहते हैं, समझिए। सिया समाज को अलग कर रहे हैं, वो जा रहे हैं बौरा मस्जिद में और कहते हैं कि देशभक्त है बौरा के मुसलमान देशभक्त है, बाकी हम लोग देशभक्त नहीं है उनकी नज़र में, समझे। इससे हम लोगों को तकलीफ होती है उनके भाषण से, और बाकी सब ठीक है। मुख्यमंत्री की बात कहिए, मुख्यमंत्री मेरे बहुत अच्छे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हिंदू हमारे हिंदू भाई भी कोई हिंदुत्व की बात करते हैं तो मुसलमान को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा ना, इसलिए कि मुसलमान यहाँ का अटूट हिस्सा है और उनके पढ़े लिखे आदमी हैं, वो जानते हैं कि जब भी कोई ऐसा वक्त आया है तो मुसलमानों ने यहाँ की धरती के लिए, यहाँ के हिंदुस्तान के लिए हमेशा जान की कुर्बानी दी है और आज भी देने के लिए तैयार है, कल भी देगा। मोहन भागवत कैसे कट्टर हिंदू पंथ है वो तो आप लोग जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस वक्त इलेक्शन का दौर इसी लेकर के अपना बयान बदल के दे रहे हैं ताकि कि हमारा मुसलमान हमारा ऊपर रहम खाए, लेकिन जो असलियत है वो असलियत रहेगा ही। वो तो मोहन भागवत मुसलमान वो कट्टर दुश्मन समझ लीजिए एक तरह से, हम तो ही जानते हैं, जो आज तक इतना परेशान किए रहा सबको, आज का वो ये बोली बोल के अच्छा हो जाएगा, कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो मुसलमान के तो दुनिया तो रहा है, तो बोली तो क्या बोली सर? वो तो बात सही है, मुसलमान उसमें जाएगा नहीं, उसका हिंदुत्व कभी बनेगा नहीं। अब कैसे ये मानते हैं कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है? एकदम अधूरा है, नगण्य है। बोलिए, जो मोहन भागवत का बयान है उस पे नवादा के मुसलमान तबके के लोगों का कहना है कि ये जो मोहन भागवत बोले हैं बात तो सही बोले हैं, लेकिन अब तक उनकी जो छवि रही है मुसलमान विरोधी रही है और ये चुनाव के लेकर के इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया।